बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में अहम फैसला हुआ। संघ ने सरकार वाहक का चुनाव हुआ, जिसमें सुरेश भैयाजी जोशी को जगह, दत्ताश्रेय होसबोले को सरकार वाहक की जिम्मेदारी दी गई। दत्तात्रेय होसबोले 2009 से सरकार वाहक का दायित्व तो निर्वहन कर रहे थे। नए सरकार्यवाह की जिम्मेदारी दत्तात्रेय होसबोले को मिलने के साथ ही माना जा रहा है कि संघ के प्रमुख पदों पर कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। सुरेश भैयाजी जोशी पिछले 12 साल से यानी 2009 से संघ के सबसे महत्वपूर्ण सरकार्यवाह के पद पर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में भारत ने अब एक नया मील का पत्थर साबित कर दिया है। स्वदेशी वैक्सीन से वायरस को मात देते हुए भारत में रिकॉर्ड 4.2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बीते 24 घंटों में 27 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई और अब 60 वर्ष के अधिक उम्र के बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 60 वर्ष से अधिक आयु के 1 करोड़ से अधिक लोगों को केवल 15 दिनों के अंदर कवर किया गया था। भारत की वैक्सीनेशन की रफ्तार अब ब्रिटेन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वहीं मार्च महीने में देश में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ गई। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि देखने को मिली है। बढ़ते अगले खबर को, बुलंदशहर में ईंट से कुचलकर लड़के की हत्या करने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। और आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग के चलते बताया जा रहा है, जिसमें लड़के की हत्या की आशंका जताई जा रही है। वही मृतक के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने एक आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दे रही है जगह जगह पर। जिस तरीके से आपको बता दें कि युवक के हत्या की जानकारी परिजनों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। बीती रात थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में आदिल नाम के एक 22 वर्षीय युवक की हत्या नाजायज संबंधों की वजह से की गई है। उल्लेखनीय है कि मृतक आदिल के नाजायज संबंध उसी के ही एक करीबी यूनुस की बेटी के साथ थे। यूनुस और उसके बेटे गुलफाम और उसके दो साथियों ने योजनाबद्ध तरीके से मृतक आदिल को बुलाया, बुला के शराब पिलाई और शराब पिला करने के बाद इन्हें हड्डी मिल के पीछे ले जा करके ईंट से सिर में चोट पहुंचाकर इनकी हत्या कर दी। इसमें से एक अभियुक्त बिलाल की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष तीनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। बीती रात थाना इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर सत्यवीर जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, बिल्कुल आप बता दूं, ये खुंजा कोतवाली क्षेत्र का मामला है। आपको बता दें, ये बताया जा रहा है प्रेम संघ का मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर जो है बीती रात जो है एक युवक को जो है ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। और बता दें आपको, एसएसपी इसमें दावा करती है कि ये इसका जो है पड़ोस में रहने वाली किसी उससे जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से जो हत्या की गई है। आपको बता दें कि परिजनों की तहरी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए एक आरोपी को जो है फिलहाल जो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी सत्यवीर, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए, पुलिस प्रशासन की बात करते तो पुलिस प्रशासन के पे दावा है कि जो परिजनों की तहरी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों के नाम पर जो तहरी दी गई है, जिसमें जो एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की पुलिस जो है तलाश कर रही है और अग्रिम कार्रवाई में जुट चुकी है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पुलिस ने हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से पूर्व बुलंदशहर पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद कई थानों से पुलिस ने वारंटियों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए बुलंदशहर पुलिस द्वारा सभी वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिससे कि प्रदेश में आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। आपको बता दें कि ये तस्वीरें
जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही आरोपी हैं जिन्हें वारंटी के तौर पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीती रात जनपद बुलंदशहर में वारंटियों की गिरफ्तारी का एक अभियान चलाया गया था, जिसमें 38 लोग आपके सामने हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और हैं जो थानों से आ नहीं पाए हैं। तो इस तरह हम लोगों ने लगभग 45 के आसपास वारंटियों को बीती रात गिरफ्तार किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर सत्यवीर जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, जो 57 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया था, इनके ऊपर कौन से मामले दर्ज है? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, बुलंदशहर की हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह से आगाम चुनाव होने वही बात करें, पुलिस लगातार जो अलर्ट में है। आपको बता दें कि पुलिस ने आगाम चुनाव के मद्देनजर जो अभियान चलाया था, जिसमें जो बांटी थे जो बांटे उनको जो है जल्द से गिरफ्तार कर जेल भेजा। तो बता दें आपको कि जब बुलंदशहर की बात करें तो आम थाना से जो है 45 जो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जो है न्यायालय पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिल्कुल जिस तरह से आगाम चुनाव होने तो पुलिस प्रशासन शांति प्रिय करने के उद्देश्य ये जो है तमाम तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं जी। अभी कितने वारंटी और बाकी हैं जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी? सत्यवीर देखिए पुलिस की बात करें तो पुलिस गाँव में जाके तमाम जो वंचित हैं और तमाम जो उपद्रव है सभी की लिस्ट जारी कर रही है, और पुलिस इसमें जो है कारण जुट चुकी है कि तमाम जो आए दिन जो है तमाम वंचित जो पुलिस जो है जल्द से जल्द जमा करें जेल भेज जा रहा है जी। चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि वारंटियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना लगातार शुरू कर दिया है।